अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यार माशाल्लाह से सेरेमनी तो चल रही है, एमडी साहब जो हैं अभी वो गारमेंट्स वाले आउटडेट पर हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अपने प्रिंसिपल से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? ठीक ठाक मज़े में सर। तबीयत वगैरह कैसे आप? ठीक है। ये जो हमारे कॉलेज के जो है GPI कौसार के जो हैं ये प्रिंसिपल हैं इस वक्त, ठीक है। बाकी जो हमारे पहले के प्रिंसिपल थे सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? तबीयत वगैरह ठीक है? सही मशहूरी साहब का इंट्रोडक्शन था। जी सर, जी सर। तलीमा शरी साहब जी आपको अपना इंस्टीट्यूट घुमाएंगे। जी सर। और ये जो टेक्निकल एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बाकायदा आपको तारुफ कराएंगे कि टेक्निकल एजुकेशन है क्या। जी सर। ये ज़रूरी क्यों है? जी जी, आप आएँ, वेलकम करते हैं आपको, आप हमारा इंस्टीट्यूट घुमाएँ। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये सवाल से बताएं आपके इंस्टीट्यूट। मैं मरियम सुमरो, इंचार्ज प्रिंसिपल GVS का किला एट लतीफाबाद हैदराबाद। क्या आप चाहते हैं कि हमारी बहनें और आपकी बहनें सीखें सिलाई कढ़ाई मेहंदी और ब्यूटिशन के कोर्सेज और बहुत से कोर्सेज? स्टेफ्टा लाया लतीफाबाद के अंदर गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो गर्ल्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसी इंस्टीट्यूट के अंदर आज यहाँ पर आने की खास वजह ये, यहाँ पर MD साहब का, स्टेफ्टा के जो MD उनका विजिट है। इन लोगों ने, स्टेफ्टा वालों ने इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए एक बेहतरीन इनके लिए ऑफ़र अनाउंस किए। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक दिया जाएगा पॉलर, जिसके अंदर जो है गर्ल्स अपने हुनर को जो है और अच्छे से ग्रो करेंगी। इनको दो शॉप्स दी गई हैं, अभी हम शॉप्स का भी विज़िट करेंगे और पूरा आपको इंस्टीट्यूट का विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह। जी चलते हैं आगे। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 3 ईयर्स का वोकेशनल डिप्लोमा होता है जिसके अंदर ये कोर्सेज हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं जो कि 6 मंथ्स के हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो कि हैदराबाद लतीफाबाद यूनिट नंबर 9 में रहते हुए सिलाई कढ़ाई और उसके अलावा मेहंदी डिज़ाइनिंग ब्यूटिशन के कोर्स वगैरह सीखना चाहती हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये इदारा दे रहा है आपको, गवर्नमेंट वोकेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स पक्का किला। तो जनाब हमने आपको बताया था कि इस कॉलेज को दो शॉप्स दी गई हैं, वो शॉप्स जो अभी हमारे बिल्कुल सामने आप लोगों को दिखाते हैं। एक इनको एक सैलून दिया गया है, ब्यूटी सैलून दिया गया है, ठीक है, और एक दिया गया है इनको गारमेंट्स आउटलेट, ठीक है। इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे जो इन दो शॉप्स के ऊपर वर्क करेंगे और ये शॉप भी इन लोगों को इसी वजह से दी गई है कि यहाँ के बच्चे इस एबल हो गए थे कि ये सैलून संभाल सकें और गारमेंट्स आउटलेट को संभाल सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बेटा आपको सर को बताएं ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं? और कैमरों
यार माशाल्लाह से सेरेमनी तो चल रही है, एमडी साहब जो हैं अभी वो गारमेंट्स वाले आउटडेट पर हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ। यहाँ पे जो हमारे कॉलेज के जो टीचर हैं ना, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, वहाँ का भी स्टाफ आया हुआ है यहाँ पे आज, तो मैं जो आप लोगों से मिलाता हूँ प्रिंसिपल से और बाकी टीचर से। तो यार हम लोग जो अपनी लोकेशन पे आके इस वक्त बैठ गया, और इस वक्त जो है ना हमारे साथ जो हमारे कॉलेज के स्टाफ है ना, हमारे कॉलेज के स्टाफ वो भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अपने प्रिंसिपल से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? ठीक ठाक मज़े में सर। तबियत वगैरह कैसे आप? ठीक है। ये जो हमारे कॉलेज के जो है जीपीआई कौसार के जो है ये प्रिंसिपल हैं इस वक्त। ठीक है। बाकी जो हमारे पहले के प्रिंसिपल थे सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? तबीयत वगैरह ठीक है? तैमूर शोरी साहब का इंट्रोडक्शन था। जी सर, जी सर, तैमूर शोरी साहब जी सर, अपना प्रिंसिपल से जी जी, बहुत अच्छे तरीके से इदारा चला रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह, मुझे इंट्रोड्यूस करा जी जी, दोस्तों को भी तो बहुत जबरदस्त काम कोई सर जी 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 जी। सर के पास माशाल्लाह हम एक दिन चलेंगे जो है, पूरा इंटरव्यू लेंगे सर आपके पास आएंगे इंशाल्लाह टाइम निकाल के। ठीक है, और जो पूरा कॉलेज को देखेंगे, आपको अपना इंस्टीट्यूट घुमाएंगे जी सर। और ये जो टेक्निकल एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बाकायदा आपको तारुफ कराएंगे कि टेक्निकल एजुकेशन है क्या जी सर, ये ज़रूरी क्यों है जी जी। आप आए, वेलकम करते हैं आपको, आप हमारा इंस्टीट्यूट घुमाएँ जी सर। लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि हम टेक्निकल एजुकेशन हम करेंगे, और लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो है यार टाइम निकाल के सर के पास लाजमी जाएंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि टेक्निकल है क्या फील्ड, इससे क्या फ़ायदा है, हमें करना क्यों चाहिए हमें। तो इंशाल्लाह एक दिन टाइम निकाल के सर के पास भी हम लोग चलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर सर मोहम्मद अली मिठानी, स्टेट हेडक्वार्टर कराची क्लब। जी भी ये नमाजें मोहब्बत का सिलसिला, कोई कजा करके रोया, कोई अदा करके रोया। आई वुड लाइक टू कॉल फॉर नाथ बहारिया से है हैदराबाद में, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और मिस्टर मुनव्वर अली मिठानी साहब एक भी साथ करते हैं। पंजाब में बैठे हुए खुशबू साहबान, मेरी बेटी बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं बहुत मशहूर हूँ कि विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मलकुम साहब ने कहा कि सर उसको लेट को ले जाए, मैंने कहा नहीं आप कभी करें। तो ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन, एफर्ट्स, अप्लॉज, ये जो आपने दिन रात मेहनत करके जो दो यूनिट्स हैं सैलून का और पी टी का और गवर्नमेंट्स का, तो उसमें मुझे भी बताया गया है कि मैडम शबीन शमीन और मरियम सुरू, तो आई अप्रिशिएट यू ऑल के लिए मेटिंग यहाँ हो जाए ज़बरदस्त। इस किस्म के यूनिट्स मंगू साहब आई होप के वी शुड रेप्लिकेट और इधारों में भी, क्योंकि आई स्ट्रॉन्गली बिलीव के एमडी साहब यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग जो है उनको रुख्सत कर रहे हैं, और जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी हो गई है। इसके अलावा जो टीचर्स को जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन सबको जो शील्ड वगैरह मिली थी वो भी यहाँ पे काम हो गया। तो अब जो है ये सब के सब जो है जा रहे हैं। सर इवेंट जो है पूरा ख़त्म हो गया, और अब जो है थोड़ा मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैडम भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं यहाँ पे, जाहिर प्रिंसिपल अपने जस्ट काम होते हैं अभी जो है क्या कहते हैं एमडी साहब आए हैं और न्यूज़ वगैरह न्यूज़ वाले आए हैं, तो वो इंटरव्यू वगैरह चल रहा है उनका, वो इस काम में बिजी है। हमारे मैडम भी इस तरीके से बिजी हैं, तो जो मैडम से चलते हैं, मैडम से बातचीत करते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये सवाल से बताएं आपके इंस्टीट्यूट। मैं मरियम सुमरो इंचार्ज प्रिंसिपल जी वी एस का किला एट लतीफाबाद हैदराबाद। हमारे स्कूल में हम जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो टू ईयर थ्री ईयर्स डिप्लोमा एजुकेशनल एंड शार्प कुछ होते हैं जो हम ब्यूटिशन है, स्टिचिंग है, हैंड एंड क्राफ्ट है, ये कोर्सेज और लाख पी को जेंट्स स्टिचिंग है, ये हमने शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए हैं। और हमारी जो रिजल्ट जब भी हमारे एमडी साहबान आते हैं हमारी परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छी लगी, हमारी सारी क्लासें ऑन होती है और बच्चों की प्रेजेंटेशन और बच्चों की अटेंडेंस अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी होती है। हमारी उन परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें ये आउटलेट बना के दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसमें जी 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 जिसमें एक हमारा है ब्यूटी सैलून जी वी एस जी के नाम से जो अब इवनिंग में वो रन करेगा। अच्छा। जी, और क्योंकि हमारे जो सेंटर में जो ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं सीबीटीए का 6 मंथ का वो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, वो मॉर्निंग में होता है और ये पार्लर हमारा इवनिंग में होगा। अच्छा, स्टूडेंट ही उनके ऊपर मतलब काम करेंगे। जी बिल्कुल जी, ये हमारे इदारे की ब्यूटी है या एबिलिटी है कि जो भी हमारे टीचर्स जब भी हम हायर करते हैं हमारे अपने स्टूडेंट ही होते हैं, आउटसाइडर कोई भी नहीं होता है। आज तक 7 ईयर्स हुए मुझे यहाँ चार्ज लिए हुए, उस पीरियड में हमने जो भी अपने क्लासेस के लिए जो भी टीचर्स हायर करते हैं अपनी स्टूडेंट ही होती है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस और बेस्ट काम देकर हम उनको रखते हैं ताकि हमारा इदारा आगे और बढ़े और लोगों के लिए भी मिसाल बने कि हाँ इस इदारे में जी वी एस जी में बहुत अच्छा काम होता है। और वाकई में बहुत दूर दूर से भी बच्चे अटेंडेंस के लिए एडमिशन के लिए आते हैं, कोई हिसार से आती हैं, शहर से आती हैं, कोटरी से भी आती हैं। बेटा हमारा जो 3 ईयर्स डिप्लोमा है उनका एडमिशन तो होता है अगस्त में, ठीक है ना, बाकी जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उनका अभी जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में होता है, फेब से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कोई भी इसलिए इसको एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल इसलिए हो सकता है, बिल्कुल मैट्रिक के पास बाद इंटर के बाद। कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जिनको हम फैसिलिटेट करते हैं, उनको भी स्टिचिंग सिखाते हैं और जिनके पास एजुकेशन भी नहीं होती है, उनको सिर्फ उनका मकसद होता है कि हम रोज़गार पे चले जाए, इतना हम सीख लें यहाँ से स्टिचिंग है या जो भी हुनर होता है हमारा, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है, निटिंग है, ये सारे सब्जेक्ट हम करवाते हैं यहाँ पर। जी माशाल्लाह, देखा आपका पूरा इंस्टीट्यूट विजिट किया और आज आपका देखा भी इस तरीके से सेरेमनी हुई, कुछ आपकी देखिए परफॉर्मेंस जो आपको इतना अच्छा, ये सारा क्रेडिट हमारे स्टेफ्टा हेडक्वार्टर एमडी हमारा अभी जो करंट है मनोहर मिठियानी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके एफर्ट्स हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर के एफर्ट्स हैं और फिर हमारे माशाल्लाह अल्लाह पाक मजीद कामयाबी। थैंक यू, थैंक यू।